योगी सरकार की नाकामी या फिर पुलिस प्रशासन की तानाशाही। कवरेज कर रहे प्रधान संपादक को भेजा जे, बिना मास्क बैठे पुलिस कर्मियों को कैमरे में किया था कैद। लगातार शासन से लेकर प्रशासन तक मीडिया कर्मियों के साथ कर रहे अभद्रता। 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय वोट पड़ने के बाद बारी थी 2 मई को वोट खुलने की, जहां विवेकानंद कॉलेज में 2 मई को मास्क और शारीरिक दूरी के पालन के साथ मत पेटिकाओं को खोला जा रहा था। वहीं लोधा पुलिस खुद नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगी थी और खीज उतार दी प्रधान संपादक पर। साप्ताहिक अखबार शेष प्रश्न के प्रधान संपादक प्रदीप शर्मा 2 मई दिन रविवार शाम को विवेकानंद कॉलेज के बाहर वोट खुलने की कवरेज कर रहे थे। जब संपादक की नजर पुलिस कर्मियों पर पड़ी तो दंग रह गए। जो पुलिस बिना मास्क के जनता के साथ दुर्व्यवहार और चालान करती है, वही पुलिस नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। संपादक महोदय ने पुलिस कर्मियों को कैमरे में कैद ही किया था कि पुलिस कर्मियों ने दबंगई दिखाते हुए संपादक को हिरासत में लेकर हवालात में मुजरिम की तरह डाल दिया और रात भर थाने में रखने के बाद दूसरे दिन सोमवार को जेल भेज दिया। मानसिक तौर पर किया प्रताड़ित। कवरेज कर रहे प्रधान संपादक को पुलिस ने गुंडाई दिखाते हुए जबरन हथकड़ी पहनाते हुए हवालात में डाल दिया। मोबाइल एवं कार्ड छीन लिए गए, पत्रकारिता भुला देने की धमकी दे डाली गई। और इतना ही नहीं, संपादक महोदय को मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया गया। सर, ये सर किस जुर्म में आपको पकड़ा गया यहाँ पर? मुझे मतदान पे वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के कारण इनकी पुलिस ने पकड़ा है, और मैं मतदान स्थल पर वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था। वहाँ पे काफी पुलिस वाले जो अधिकारी आला अधिकारी वो काफी बिना मास्क के वहाँ पे कर रहे थे। उसके उतरा मैंने जब उनका पिक लिया, उसी में गुस्से में आकर के इन्होंने मुझे अरेस्ट किया है, और कुछ नहीं है। और रात भर मुझे यहाँ पे टॉर्चर किया, बंद रखा है मुझे। क्या आपके साथ मारपीट की है? मारपीट नहीं की, पर मानसिक रूप से जो प्रयास किया। हाँ, सर, आपके घर वालों को भी नहीं बताया कि आपको? कुछ नहीं बताया। मोबाइल छीन लिया गया, मेरी माइक आईडी छीन ली गई है, और मेरा जो प्रेस कार्ड था वो भी इन्होंने छीन लिया बिल्कुल। किसी तो अभी जो आपका चालान 151 हुआ है, किसी से संपर्क नहीं करवाया गया मुझे, किसी से संपर्क नहीं करवाया गया, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों से। सर, अधिकारियों में कौन कौन थे? अधिकारियों में यहाँ के जो आला अधिकारी थे, बाद बाकी तो सब वही थे, पर जो भी किसी का नाम नहीं, अभी तो मैं जानता नहीं, पर मेरे पास वीडियो है, उनको मैं देखते हुए मैं आगे बताऊंगा। ठीक है सर, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो शेष प्रश्न के संपादक हैं, इस तरह से इन्होंने अपनी आपबीती बताया थाने में। और हम आपको बता दें, ये वो थाना है यहाँ पर कट्टी घर से लेके अवैध खनक, बाकी सभी लोग यहाँ पर इस तरह से अवैध चलते रहते हैं। और ये आप लोग देख रहे हो किस तरह से एक मुजरिम की तरह यहाँ पे लेके जा रहे हैं जो प्रदीप संपादक जी को। ये वो जो मुंबई में एक आर पब्लिक भारत के जो चीफ एडिटर थे अरवन गोस्वामी, तो इस तरह से ही इनको अरेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए इस तरह से दबंग पुलिस लोधा थाना, और ये एक मुजरिम की तरह इस गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटीआई न्यूज 24, अलीगढ़। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।